के 10 से 12 जो परफ्यूम है उनमें से केवल 3 से 4 परफ्यूम ऐसे हैं जो सच में अच्छा काम करते हैं, बाकी सारे मीडियोकर हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात ये बात है, अरे सर क्या। Hey guys, welcome and welcome back to the Investigating। मेरा नाम आशीष है। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बियर्डो के परफ्यूम सेट को। टोटल इसके अंदर 10 परफ्यूम आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हम इसकी रैंकिंग जानेंगे कि 10वें नंबर पे कौन सा परफ्यूम है और बियर्डो का सबसे नंबर वन या सबसे टॉप पे परफ्यूम कौन सा बैठा हुआ है। तो जो ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, लॉन्जिविटी, स्मेल, प्रोजेक्शन एंड गर्मियों के हिसाब से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो ये चारों क्राइटेरिया के बेसिस पे हम इसको जज करेंगे और साथ में प्राइस पॉइंट पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बता दूं इस चैनल पे आपको मेन बिल्डिंग और मेन सेल्स रिलेटेड सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, इससे आपको नए सारी वीडियोस टाइम पे मिलती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो मेरे हाथ में है ये बियर्डो का 5 ml वाली किट, जिसमें टोटल आपको 10 परफ्यूम देखने को मिलते हैं और इसके अंदर बियर्डो के ऑलमोस्ट सारी परफ्यूम की जो लाइन है वो कवर हो जाती है। इसको मैं 10 से 12 दिन से यूज कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट कुछ तो खत्म हो चुके हैं, जैसे मरीना, सुनामी, इन सब खत्म हो चुके हैं। और ये मेरा ओपिनियन है और जो रैंकिंग है ये मेरी डिसाइडेड है, ये कोई ऐसा थंब ऑफ रूल नहीं है कि ये ऐसे ही होनी चाहिए। और ये स्पेशली बनाया गया है, डिजाइन किया गया है समर के हिसाब से रैंकिंग को। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे आता है बियर्डो का विस्की स्मोक। इसके टोटल 2 वेरिएंट आते हैं, बियर्डो विस्की स्मोक एंड बियर्डो विस्की स्मोक बलून। अभी हम बात करें सिंपल से विस्की स्मोक की। इसके अंदर आपको विस्की प्लस कूद की कॉम्प्लेक्स स्मेल, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल देखने को मिलती है, प्रोजेक्शन काफी दूर तक फैलता है। और ये बेसिकली फीमेल या फिर जो थोड़े से सॉफ्ट लोग होते हैं उनको पसंद नहीं आता, ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं बना हुआ है। ये ऐसा जैसे 35 to 40 के बीच में हो, थोड़ा सा अगर बियर्ड वर्ड मेंटेन करते हो, वेल बिल्ट हो, तो ऐसे लोग को ये पसंद आता है और ये लिस्ट में हमारे 10वें नंबर पे आता है। हमारी लिस्ट में आता है 9वें नंबर पे डार्क साइड। ये इंस्पायर्ड है ब्लू दी शनेल से, एक फ्रेश स्मेल है इसके अंदर और ऐसा मानते हैं लोग, मतलब जो प्रॉपर रिव्यूअर है वो बोलते हैं कि जो इसकी स्मेल है 50 to 60% ही मैच करती है ब्लू दी शनेल से। लॉन्जिविटी उतनी अच्छी नहीं है इसलिए हमारी लिस्ट में ये पड़ा हुआ है 9वें नंबर पे। हाउएवर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो तो ये अप टू चलता है 14। 8वें नंबर पे है ब्लैक मस्क। ये इंस्पायर्ड है बल्गारी का मेन इन ब्लैक आता है, इससे ऑलमोस्ट 50 to 60% इसकी स्मेल मैच करती है। आपको इसके अंदर स्पाइसी टोन मिलेगा विद दी पाउडरी नोट। ये स्मेल एक ऐसी है कि अगर आप विंटर में हो या समर इवनिंग में इसको लगा सकते हो, अगर आप आफ्टरनून या फिर मॉर्निंग कंसिडर करना चाहते हो तो थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं है। लॉन्जिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ही मार्क कर रहा है, वरना ये टॉप 5 में कहीं फॉल कर रहा होता। इसमें 7वें नंबर पे आता है बियर्डो का विस्की स्मोक बर्बन। ये विस्की स्मोक से थोड़ा सा एनहेंस्ड है, इसके अंदर प्रॉपर आपको मिडिल ईस्टर्न ऊद मिलेगा जो थोड़ा सा सेटल्ड है, बहुत हार्श नहीं है, विद लिटिल बिट ऑफ अ विस्की का टच। ये भी मेजोरिटी ऑफ वुमेन के द्वारा पसंद नहीं किया जाता। हाउएवर अगर आप सिंगल हो या फिर किसी पब में जा रहे हो या कुछ ऐसी वाइब है जैसे विंटर है या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, उस केस में आप सब कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास कोई वुमेन ना हो, वरना फिर आपको फिर वो वुमेन आगे घूमेगी या मूसड़ा घूमेंगी। हमारे लिस्ट में 6वें नंबर पे आता है सुनामी। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है समर परफ्यूम का, फ्रेश एंड लू का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लाइक सिट्रसी एंड एक्वाटिक नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, परफेक्ट समर परफ्यूम बोल सकते हो इसको। सर प्रॉब्लम यही है कि बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, प्रोजेक्शन नहीं है। तो अगर आप एक ऑफिस वाले एनवायरमेंट में लगाना चाहते हो तो इसके साथ जा सकते हो, अगर आप चाहते हो प्रोजेक्शन ठीक ठाक है तो वीडियो को लास्ट तक देखो। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है बियर्डो का माफिया। ये एक परफेक्ट विंटर परफ्यूम है या लेट समर इवनिंग परफ्यूम है, स्वीट एंड फ्रूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपको स्वीटनेस वाले परफ्यूम पसंद है, कैरमलाइज या फिर फ्रूटी नोट्स वाले पियर्स वाले कॉम्बिनेशन, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये मैं लिस्ट में 5वें नंबर पे इसलिए है क्योंकि अभी क्या है, समर एकदम हार्श समर चल रहा है, मई के आसपास हम बैठे हुए हैं। अगर आप यही वीडियो विंटर में देख रहे होते तो शायद प्रॉब्लम टॉप 3 के अंदर कहीं पड़ा होता। तो मैं लिस्ट में 14वें नंबर पे आता है बियर्डो का गॉडफादर। ये 500 रुपए के अंदर ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट या हाईएस्ट सेलिंग परफ्यूम इसको बोल सकते हो, हर कोई इसको रिकमेंड करता है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये हीट में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, लेट इवनिंग, लेट नाइट, डेट नाइट, विंटर के लिए बेस्ट परफ्यूम है। ये वर्साचे एरोस का इंस्पायर्ड वर्जन है, ऑलमोस्ट 70 to 80% इसकी स्मेल मैच करती है एक्सेप्ट लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन। और ये हमारे लिस्ट में 14वें नंबर फॉल करता है।
तो जो थर्ड परफ्यूम आता है वो आता है बियर्डो का और ये सनेल का बहुत ही प्रीमियम परफ्यूम आता है प्लैटिनम। ये उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, अप्रॉक्सीमेटली 40-50% ही मैच करता है। फ्रेश सिट्रस वाली स्मेल है इसकी, बहुत ही क्लासिक परफ्यूम है, परफेक्ट समर का ब्लेंड है। इसको आप कभी भी लगाओ, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट इवनिंग, ये हर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है। तो सेकेंड नंबर पे जो परफ्यूम आता है वो आता है बियर्डो का लीजियन। बहुत ही साफ सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, मतलब ऐसा समझ लो कि किसी आप ऑरेंज के या नींबू के बागीचे में गए हो और नींबू बिल्कुल भी पके या येलो नहीं हुए हैं और किसी पत्ती या किसी पौधे के पास जाकर इसको स्मेल कर रहे हो, वैसी ऑलमोस्ट आपको स्मेल देखने को मिलेगी। एक ठीक ठाक समर परफ्यूम है लेकिन इसका प्रोडक्शन और लॉन्जेविटी काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमारी लिस्ट में ये सेकेंड नंबर पर फॉल करता है। जो हमारे इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है बियर्डो का मरीनर। ये हमारे पूरी लाइनअप में सबसे सस्ता परफ्यूम है, आपको अमेजॉन पे 350 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा और ये इंस्पायर्ड है डेविडॉफ के कूल वाटर से। कूल वाटर अप्रॉक्सीमेटली 4600 से लेकर 5500 रुपये के बीच में मिलता है, मेरे पास वैसे डीओ पड़ा हुआ है और ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 90% मैच करता है। 10% मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि जो इसकी इंटेंसिटी है परफ्यूम की वो थोड़ी सी, स्मेल की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ी सी लैक करती है, नहीं तो ऑलमोस्ट इन्होंने क्लोन बना के रखा हुआ है। प्रोडक्शन भी इसका उतना ही लंबा है जितना ये जाता है। लॉन्जिविटी में ये कहीं ना कहीं मतलब ऑलमोस्ट 80% के आसपास परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू दिस। तो गाइज ये रहा बियर्डो का होल एंड सोल रैंकिंग टॉप 10 परफ्यूम की। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन को कैसे रैंक करता है। अगर मैं बात करूँ इन जनरल इन सबके लॉन्जिविटी की तो ये सारे परफ्यूम अप्रॉक्सीमेटली 40-70 मिनट आपकी बॉडी पे लास्ट करते हैं, वेरेज कपड़ों पे 1.5 घंटे के आसपास। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो जो थोड़े से हाई उदिस वाले परफ्यूम है वो जाते हैं अप टू 4 फीट और जो मोस्टली इंक्लाइंड है थोड़ी स्पाइसनेस, थोड़ी फ्रूटी या फिर थोड़ी सी एक्वाटिक नोट की तरफ वो जाते हैं अप टू 3 फीट। तो गाइस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।